स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में इस बार गोरखपुर ने लंबी छलांग लगाई है। देश के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गोरखपुर को 82वीं रैंक हासिल हुई है। पिछली बार यहां की नेशनल रैंकिंग 226 थी, यानी शहर ने इस बार रैंकिंग में 144 स्थान की छलांग लगाई है। पिछले 4 वर्ष के दौरान 232 रैंक का उछाल आया है। आपको बता दें, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की राष्ट्रीय रैंकिंग घोषित की। 2017 में जब स्वच्छ रैंकिंग की शुरुआत हुई थी तो गोरखपुर को 314वीं रैंक हासिल हुई थी। इस प्रकार देखा जाए तो पिछले 4 साल के दौरान गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता के मामले में लगातार सुधार किया है। शहर को वर्ष 2018 में 280वां, वर्ष 2019 में 226वां स्थान हासिल हुआ था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेयर सीताराम जायसवाल ने शहर की जनता और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों समेत नगर निगम से जुड़े लोगों के सामूहिक प्रयास से इस बार राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। आने वाले समय में इसमें और सुधार किया जाएगा। इसके लिए अभी से शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि आज नगर निगम के आला अधिकारियों सहित बैठक कर गोरखपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 लाने के लिए रणनीति तैयार की गई है और 5 बिंदुओं पर लोगों को जागरूक करके गोरखपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, देखिए 2017 में लगभग 350 लगभग रैंक था हमारा, लेकिन उसमें सिलसिलेवार हम लोग अच्छे रैंक हासिल करते गए हैं। अभी जो भारत सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण का आया है उसमें देश में हमको 82वां स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश में 9वें स्थान पर हम लोग हैं। ऐसा सब अकस्मात नहीं हुआ है, इसमें हमारी जो जागरूक जनता है, मोदी जी और योगी जी का जो आह्वान है स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तर प्रदेश, इसके तहत नगर निगम के सभी नागरिकों का सहयोग मिला है, हमारे अधिकारियों का सहयोग मिला है, हमारे पार्षदों का सहयोग मिला है, हमारे सफाई कर्मियों का भी बहुत सहयोग मिला है और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं पूरे मनोयोग से काम किया है। स्वास्थ्य अग्रणी भी दिन रात काम किया है और तब हम लोग इस रैंक को हासिल करने में सफल हुए हैं। आगे और अच्छा करें इसके लिए हमारे नागरिकों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज एक मीटिंग की है और यह निर्णय लिया है कि हम यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से आम नागरिकों से जाकर स्वच्छता के महत्व को बताएंगे। मोदी जी और योगी जी के जो स्वच्छता अभियान भारत का चला है उसमें हम जनता से अपील करेंगे कि इसमें पूरा पूरा सहयोग दें, इसको हम अभियान के रूप में लेकर के हमारे अधिकारी हमारे पार्षद हमारे सफाई कर्मचारी जगह जगह मोहल्लों में जा कर के जागरूकता का एक अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो डेयरियाँ हैं जो गंदगी फैलाती हैं उनसे आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे कि वो शहर से दूर ले जाएं,
शहर को गंदा नहीं करें, इस तरह का हम लोग अभियान चला रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर निर्णय लिए हैं। पहला है कि नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काज को शीघ्र पूर्ण कराना, गोरखपुर पर्यावरण की दृष्टि से अधिक पौधा लगाना, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करने होते नागरिकों को जागरूक करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना और ठेला खोमचा वालों को भी जागरूक करना कि सड़क को गंदा ना करें, कूड़ा अपने डस्टबिन में रखें और आगे आने वाले संरक्षण में हम गोरखपुर को बेहतर अंक दिला पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग किया है और अभियान भी हम लोग छेड़ने जा रहे हैं पूरे शहर में।